उत्तराखंड के सितारगंज के साधुनगर क्षेत्र का एक व्यक्ति बच्चों की भूख मिटाने के लिए गेहूं पिसवाने नदी के पार जाते वक्त नदी में डूब गया। वहीं डूबने से उसकी मौत हो गई। सितारगंज के साधुनगर गांव के लोगों को नदी पार करके अपनी आवश्यक वस्तुएं की पूर्ति करनी पड़ती है। वहीं आपको बता दें कि सितारगंज के साधुनगर का काला सिंह पुत्र बलराम सिंह नदी के पार अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए आटा पिसवाने जा रहा था कि नदी में अधिक पानी की वजह से गिर गया और गिरने के बाद पानी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं युवक का शव उकरोली से 3 किलोमीटर दूर बरामद हुआ, जिसका शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अग्रिम कार्यवाही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही की जाएगी। पेश है सितारगंज के संवाददाता अनीस रजा की खास रिपोर्ट। ये आपका एक व्यक्ति था ताराराम पुत्र बलराम, ये नदी में अपना गेहूं पिसाने के लिए आप साइड जा रहा था, तो उस दौरान उसकी नदी में गिर के उसकी डेथ हो गई थी और ये करीब 2.5 किलोमीटर आगे जाकर उसकी लाश मिली थी साधुनगर में। ट्रॉली का रहने वाला था, तो जिसके बाद फिर मौके पर पहुँच के पंचनामा हो गई, कार्रवाई करी जा रही थी और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।